लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अभी खाली मिला तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। हमारा फ्रेशर्स होके बहुत दिन हो चुका है आज, और मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा महंगा परचेज करने जा रहा हूँ टिल नाउ। वो आपको पता चलेगा जब मैं परचेज करने जाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड। घर जाके चेंज करके फिर स्टोर चलते हैं। बाय। तो हम आ चुके हैं रिलायंस डिजिटल। मेरा तेजा iPad Pro ट्राई कर रहा है, तो हम देखते हैं क्या होता है। स्टॉक चेक कर रहा है, आता है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कल। ये दूसरा दिन हाँ, तो लैपटॉप को परचेज हो चुका है और ये कुछ दिनों के बाद का वीडियो है। आज है April 9th। तो आज April 9th है और आज मेरा जन्म दिवस है। थैंक यू। इसको विश करना तो जाके कमेंट सेक्शन में कर देना। वैसे भी आप मेरे ख्याल से ये 10th या 11th को देखोगे। अगर जल्दी वीडियो एडिट होता है तो जल्दी भी डाल सकता हूँ, पता नहीं। फिलहाल तो आज है April 9th, और आपने वीडियो में देखा ही होगा अनबॉक्सिंग में प्रॉपर वाला नहीं था, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी वहाँ खोल के चेक करके लॉगिन करके देते हो, तो फिर आप बात भी कर सकते हो घर जाने के बाद। तो हमारे पास है हमारा पैकेट। रिलायंस डिजिटल से लिया था मैंने। कितने में पड़ा, कैसे लिया, क्या क्या किया, सब बताता हूँ। तो पहले अनबॉक्स कर दूँ मैं, डिटेल मतलब ऐसे स्पेसिफिकेशन ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, अनबॉक्स कर कुछ डिटेल्स बता दूँगा, बाकी तब सब तो आप जानते ही होगा। और ये है मैकबुक प्रो M1 प्रोसेसर वाला, और इसके स्पेसिफिकेशन है 8GB रैम और 256GB SSD, 8 core CPU और 8 core GPU शायद। हाँ, तो अनबॉक्स करते चलिए, फिर चलिए शुरू करते हैं। ओ, ऐसा कुछ दिखता है डब्बा रिलायंस डिजिटल का। इसको रखते हैं बाजू। तो ऐसे बॉक्स में आया था, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 8 core GPU, 13.13 inch डिस्प्ले। ये CPU होगा और ये GPU। ये है मॉडल रैम में। ये बढ़िया बढ़िया सा बॉक्स।
बैटरी बैकअप भी चेक किया है। ऐसा कुछ डब्बा दिख रहा है अपना, ये रहा हमारा लैपटॉप, इसको करते हैं बाजू, फिर भी दिखाता हूँ मैं डब्बे के अंदर क्या है। पहले ये कुछ केबल टाइप सी टू टाइप सी मैंने यूज किया तो जुगाड़ करके अंदर कैसे भी डाल दिया, तो इसको बाजू करते हैं। सॉरी, ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मुझे लगा नहीं था ये लोग ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स कुछ डिटेल्स मुझे लगा नहीं था ये सेम कलर के स्टिकर्स देंगे या फिर ऐसे ही आते हैं। आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा स्पेस ग्रे वेरिएंट है। और कुछ है क्या अंदर डब्बे के अंदर? और कुछ तो है नहीं, ये वापस रख देते हैं। और ये कुछ फास्ट चार्जर 65 वॉट्स या 61 वॉट्स का, यू कैन सी, ये पुल करता हूँ मैं। दिख रहा है क्या? मैं लाइटिंग थोड़ा चेंज करता हूँ, अब शायद दिख जाए। अरे राइट, अरे निकलना। ब्लू इसका बहुत तेज है, एज यू कैन सी टाइप सी टू टाइप सी है। इसको भी बाजू रखते हैं, डब्बे के ऊपर रख के करते हैं, डेलिकेट पीस है। पील पील पील, ओह नाइस, इसको भी बाजू में रख देते हैं। ऐसा कुछ लैपटॉप दिख रहा है, स्पेस करे, स्लोमो शॉट्स ऐड कर दूंगा। एज यू कैन सी दो टाइप सी पोर्ट है, एक 3.1। अरे मेरे को डिटेल्स नहीं मालूम यार, मैं दिखा रहा हूँ जैक, हेडफोन जैक। लेट मी ऑन द लैपटॉप, खुल जा। ऑन भी हो गया, आपने सुना क्या? फिलहाल इतने ही है, लैपटॉप खास हमारे लिए बहुत, हम करते हैं इसको शट डाउन। तो स्लो मोशन कर करो, अभी जो ये फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा मैकबुक प्रो M1 लैपटॉप से हो रहा है और ऑडियो भी उसी में से कैप्चर हो रहा है, तो आप क्लैरिटी देख ही सकते हो। शायद डस्ट होगा लेंस पे, तो कैमरा पे डस्ट होगा तो मैं बता नहीं सकता क्लैरिटी कितना है, ठीक ही है। तो हाँ, पहले मैं प्राइसिंग डिटेल्स देना चाह रहा था। मुझे ये लैपटॉप का MRP था 1,16,000 और 17,000 अराउंड। ये डिपेंड करता है इनके रिलायंस डिजिटल के वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर प्राइसिंग है वो प्राइसिंग के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहला डिस्काउंट मुझे मिला ह्यूज डिस्काउंट, जो कि स्टूडेंट डिस्काउंट था 5%। ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांचेस के, मैंने लिया था नलगंडला ब्रांच है 5% पर, और जो मदीनागुड़ा ब्रांच है रिलायंस डिजिटल, मैंने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने 3% बोला था।
और तो 5% के बाद 3% डिस्काउंट मिला, जो कि था रिलायंस डिजिटल के जो सेल्समैन ने, तो उनका डिस्काउंट था कुछ पता नहीं, मैंने थोड़ा पूछा और डिस्काउंट मिल सकता है क्या, तो उन्होंने 3% दिया और कार्ड के ऊपर मुझे इंस्टेंट कैशबैक मिला 5000। तो ये सब हटा के मुझे मिला ये लैपटॉप 1,02,300 रुपीज़ का। आई गेस इट्स अ ग्रेट डील, अगर आपको मिलता है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि शॉप पे जाके पूछोगे तो आपको 1,07,000 में मिलेगा। मेरे 4000 रुपीज़ बच गए थे रिलायंस डिजिटल से लेने की वजह से। आई प्रीफर आप लोग रिलायंस डिजिटल से लो या फिर कोई भी रिटेल स्टोर, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, पैसे ज़्यादा है तो खर्चो, नहीं तो फिर सेव करके कुछ और ले लो एक्सेसरी। तो इसके साथ मुझे कोई एक्सेसरीज नहीं मिली थी। तो हाँ, वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। और लैपटॉप तो आ चुका है, तो एडिटिंग भी भयंकर शुरू करेंगे हम। थोड़े कमांड सीख लें इसके और प्रीमियर प्रो में, विंडोज़ और इसमें थोड़े अलग है कमांड्स प्रीमियर प्रो के, तो थोड़ा वो सेट हो जाने दो, फिर अच्छा एडिटिंग करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून, मीट यू सून, गुड बाय एंड